तो ज़्यादा इसकी डिटेल में अब जाने के लिए हम देखना चाहेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रोल है आपकी विंडो फॉर्म एप्लीकेशन लेवल पे। आपको बहुत जगहों पे होती ही डेटा एप्लीकेशंस हैं ज़्यादा, तो डेटा एप्लीकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रोल इज़ अ डेटा ग्रिड व्यू, जहाँ पे बहुत सारा डेटा टेबुलर फॉर्म में आपने यूज़र को दिखाना होता है एक्सटेंसिव। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स दिखाना है, या एक स्टूडेंट को ओपन करते हैं तो उसके सेमेस्टर्स का रिकॉर्ड्स दिखाना है, तो हर चीज़ टेबल डाटा में बहुत ज़्यादा। इवन के जिस तरह एक्सेल है, वो इटसेल्फ पॉपुलेशन है उसकी, उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि फीचर यही है कि वो टेबुलर डाटा है। अब इस फॉर्म पे दोबारा मैं आ रहा हूँ कि इस फॉर्म में देखें तो आपने जो कोड लिखा है वो ये फॉर्म का कोड है, जो आपने पहले तो इसका डिज़ाइन किया। अब इस डिज़ाइन करते हुए व्यूअल स्टूडियो बैकएंड पे कोड लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो आपका कोड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप करते हो क्लिक, तो ये आपने कोड लिख दिया। यूजर कोड जस्ट ये फ्यू लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो डिवेलपर कोड है। आप जो व्यूअल स्टूडियो कोड लिख रहा है, इटसेल्फ जो कोड लिखा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले तो आपको नेम स्पेसेस ज़रूरत होती हैं जो आपने इस फॉर्म्स में एप्लीकेशन में यूज़ करनी है वो। सेकेंड, आपकी अपनी नेम से स्पेस का जो है वो नेम क्या है, हमारी नेम स्पेस का जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया तो डाटा ग्रिड व्यू, डाटा ग्रिड एग्जाम्पल रखा था। फिर आप ये देखते हैं कि शुरू में हमारी ये भी बात हो चुकी है कि पब्लिक पार्शल क्लास और आपकी क्लास का नाम है, ये लाजमी नहीं है फॉर्म वन हो। मैं इसका ग्रेड वन भी लग सकता हूँ, या मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट के फॉर्म पे काम कर रहा हूँ तो इसका नाम स्टूडेंट इनरोलमेंट कर दूँ। मैं एक फॉर्म पे कर रहा हूँ जहाँ पे स्टूडेंट डिग्री एलोकेशन है तो वहाँ पे डिग्री अवार्ड या एलोकेशन कर दूँ। यहाँ पे मैं एक टीचर की इनरोलमेंट कर रहा हूँ या टीचर की एचआर का कोई फॉर्म है उसका नाम रख दूँ, जो भी आपका नाम होगा वही आपका आएगा। लेकिन आपका ये फॉर्म एक्सटेंड हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है फ्रॉम फॉर्म क्लास, और ये क्लास इस नेम स्पेस से बिलोंग करती है। अगर आप इस पे माउस ओवर भी ले जाएं तो आपके सामने यहाँ पे एरो के नीचे, कर्सर के नीचे क्लास सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स डॉट फॉर्म लिखा आ रहा है, तो ये उस नेम स्पेस के अंदर ये डिफाइंड क्लास है। तो इसका मतलब ये जो जितनी जीवाई है, ठीक है, ये सारी इस क्लास में डिफाइंड है, आपने नहीं लिखी, ये इस क्लास के अंदर बिल्ट इन डिफाइन है कि ये इसका कंटेनर होगा, ये इसका लुक एंड फील है, ये जो आपकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं फॉर्म्स की, मैं इस सॉरी ये बटन के ये देख रहे हैं सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म, ये उस क्लास है, ये क्लास वन फॉर्म वन इनहेरिट हो रही है इससे, और ये उसके इवेंट्स हैं और ये उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिसमें आप आ सकते हैं। आप प्रॉपर्टीज में आ जाएं तो ये आप उसके देख सकते हैं प्रॉपर्टीज, और सारा प्रॉपर्टीज के आप एक्शंस बिहेवियर्स और बाकी सारे प्रॉपर्टीज इसके देख सकते हैं, इसका नेम, इसका ग्रेड्स, ये सारी चीज़ें इसके आप देख सकते हो, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपने प्रॉपर्टीज देख ली, ये हो गया कि इसका फॉर्म वन क्या है और बाकी चीज़ें। इस पे जो आपको ये टॉप पे आइकन नज़र आ रहा है, आप जिस भी एप्लीकेशन में जा रहे हो उसका आइकन यहाँ पे डाल दें, जिस तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स उनका अपना कंपनी का लोगो होता है वो आइकन्स यहाँ पे डालेंगे। इस तरह फॉर्म का ये जो कैप्शंस हैं, ये कैप्शन है फॉर्म वन जिस तरह, तो यहाँ पे आप इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी उसमें जाएंगे तो उसको आप चाहें तो इसको चेंज कर दें। मैं इसको कहता हूँ डाटा ग्रिड व्यू एग्जाम्पल, तो जो ही मैं इस पे फोकस करूँगा तो आप देखो ये कैप्शन चेंज हो गया जब ये फॉर्म होगा। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इट्स लाइक क्लास और क्लास के एट्रीब्यूट्स, तो ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको आप सेट करते जाते हो तो वही ऑब्जेक्ट, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब फर्दर इसको देखते हैं कि ये जो हम प्रॉपर्टीज़ पे वैल्यू सेट कर रहे हैं, ये कोड व्यूअल स्टूडियो कहाँ पे कर रहा है, ये हम आई थिंक पहले भी इनिशियली डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम फिर इस पे कोड में जाते हैं देखते हैं। तो आप देखते हो कि ये अगर मैं ये इनहेरिटेंस रिमूव कर दूँ, ठीक है, अगर ये मेरी सिंपल क्लास हो और ये मेरे फंक्शंस हों और मैं इसे सेव करूँ, तो आप देखोगे तो ये आपको क्रैश कर देगा। बहुत सारे बच्चों से कोई गलती हो जाती है, एक कंट्रोल्स लिखा होता है और ये वाली विंडो आ रही होती है, तो उसका प्रॉब्लम भी यही है
कि उन्होंने कोई कंट्रोल्स ऐड किया और कंट्रोल को डिलीट कर दिया, लेकिन उसकी बाकी जो बाइंडिंग्स हैं वो रह गई हैं। तो वो हम जाते हैं इसमें, इसको मैं वापस यहाँ पे लिखता हूँ, ये देख रहे हैं। तो ये क्लास इससे इनहेरिट है, तब ये चीज़ें हैं, और सेव करता हूँ तो अब देखें डिज़ाइन वापस आ गया, बिकॉज़ ये उसी क्लास की वजह से है। और ये जो विंडो फॉर्म है, दैट्स अ कंटेनर क्लास, कंटेनर क्लासेस वो या कंटेनर कंट्रोल्स वो कंट्रोल्स होते हैं जो बाकी कंट्रोल्स को अपने ऊपर कंटेन कर सकते हैं। तो ये हमारे कंटेनर कंट्रोल हैं। अब बात होती है कि ये हमारी पार्शल क्यों है। तो एक पोर्शन तो ये जो आप ये लिख रहे हो, एक पोर्शन वो है जो व्यूर स्टूडियो लिख रहा होता है ऑन द बेस ऑफ जो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। इसका मकसद है वो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप भी लिख सकते हो। अब वो कहाँ है कि देखिए, हमेशा कंस्ट्रक्टर, जब भी ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और कंस्ट्रक्टर में ये एक फंक्शन कॉल है, ये आपको पता है इनिशियलाइज कंपोनेंट। तो ये फंक्शन जो कंपोनेंट जो कंट्रोल्स इस फॉर्म के ऊपर आप यूज़ कर रहे हो, या जो आपने ये ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ से प्रॉपर्टीज से चीज़ें सेट की हैं, वो सारा का सारा काम इस फंक्शन के इनसाइड लिखा जा रहा होता है। अब हम इस पे इस फंक्शन के इनसाइड जाने के लिए F12 की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12। तो ये देखें आप एक और कोड में आ गए, ये आपके सामने form1.designer.cs, ये जो कि आपके यहाँ पे भी नज़र आ रही है form1.designer.cs, ये क्लास है, इसमें आप ये कोड लिखा हुआ है। और ये कोड व्यूर स्टूडियो लिख रहा है एक और क्लास में, जो इसी क्लास का एक पार्ट है। आप इसके टॉप पे जाओ तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है नेम स्पेस वही है, पार्शियल क्लास फॉर्म वन। ये आपकी क्लास पार्शियल क्लास फॉर्म वन है, ये यूज़र या डिवेलपर के लिए, और ये आपके जो व्यूर स्टूडियो वो लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें आप डिस्पोज का फंक्शन देख रहे हैं जो एंड पे कॉल होता है, और इसमें ये इनिशियलाइज कंपोनेंट का फंक्शन है, इसमें लिखा हुआ रिक्वायर मैटर डिज़ाइनर सपोर्ट्स, ठीक है। अब इसमें खुद आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब इसमें देखें जो इंस्ट्रक्शन लिखी जा रही है, जो हमने ग्रिड ऐड किया है, ये आप देख सकते हो, ये इंस्ट्रक्शन है डाटा ग्रिड व्यू वन, उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये उसमें जो कॉलम्स ऐड किए हैं, कॉलम वन, और ये है कॉलम टू ऐड किया है, बटन ऐड का बटन क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये देख रहे हैं। अब जिस तरह ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, यही इंस्ट्रक्शन अगर आप कोड पे खुद लिखते हो तो आप रन टाइम पे बटन बना सकते हो। ये इंस्ट्रक्शन आप खुद लिखते हो तो रन टाइम पे आप लोग, जब आपकी वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो ग्रिड बन जाएगा, और उस ग्रिड के अंदर कॉलम्स बन जाएंगे, ये आप लेबल्स बने, ये कम्बो बॉक्स बना, ठीक है, ये उसका नेम है, ये टेक्स्ट बॉक्स बना, ये बटन क्लियर का और एग्जिट का, ये देख रहे हैं जिस सीक्वेंस में बनाता है उस सीक्वेंस से ये कोड लिखता गया, ठीक है। ग्रिड को इनिशियलाइज किया, और फिर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ग्रिड की बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि हेडर्स का साइज़ और उसकी रेंज, कॉलम वन और कॉलम टू उसमें ऐड हो रहे हैं, और फिर ये सारे उसके बाकी इंडेक्सेस और बाकी चीज़ें सेट हो रही हैं, और इवन के उसका साइज़ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसको आप छोटा बड़ा जो भी करेंगे वो सेट हो जाएगा, तो वो पॉइंट्स यहाँ पे भी हो जाएंगे। उसके लोकेशन क्या, आपके फॉर्म के ऊपर किस पोजीशन पे वो चीज़ है, ये एक्स एक्सेस है पॉइंट और ये वाई एक्सेस है, 12 पिक्सल फ्रॉम एक्स साइड और 100 पिक्सल फ्रॉम वाई साइड, तो ये उसकी ग्रिड की लोकेशन है, ठीक है। और इसी तरह ये ग्रिड का साइज है, इसकी विड्थ जो है वो 402 पिक्सल्स है और हाइट इसकी 150 पिक्सल्स है। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है, यही कि ये इंस्ट्रक्शन आप लिख के अपने कोड के थ्रू ग्रिड बना सकते हैं, ग्रिड के साइज, उसकी पोजीशन, आप हर चीज़ रन टाइम पे कर सकते हैं। जस्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई स्टूडेंट एक्सटेंडेड लर्निंग करना चाह रहा है तो वो इसको अंडरस्टैंड करे कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बिल्ट इन क्लासेज हैं, यू कैन यूज़, यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट, यू कैन यूज़ देयर प्रॉपर्टीज एंड यूज़ ऑन योर। ये देखें जो कॉलम वन है उसका हेडर का टेक्स्ट यहाँ पे डिग्री है, अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना ये मैं 1111 लिख दिया, डिग्री 11, ये कॉलम वन का हेडर टेक्स्ट है, मैं इसको सेव करता हूँ। अब आपको डिज़ाइनर में से जाके दिखाता हूँ, डिज़ाइनर में भी वही आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इधर से जाके इसको एडिट करता हूँ, और यहाँ पे इसका जो नेम है, यहाँ पे इसका जो हेडर टेक्स्ट है,
ये, इसमें से मैं रिमूव करता हूँ और इसको सेव करता हूँ, क्लिक ओके। तो ये ओके हो गया, सेव हो गया। अब इसको, अब मैं उसी कोड में दोबारा आपको जाता हूँ, तो अब देखें तो वो हमने जो लिखा हुआ था, सॉरी, ये हमारा लेबल्स हो गए, डिग्री कम बॉक्स, ये बटन हो गया, ये सॉरी, यहाँ पे हमने डिग्री के साथ 1-1 लिखा था, वो गायब हो गया है। आप प्रॉपर्टीज से कोई भी चीज़ चेंज करते हो, उसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सेट हो रही होती है। इसी तरह ये कॉलम्स बने, फिर ये फॉर्म्स, जो आपने फॉर्म्स रखा, ये देखें उसका फॉर्म के ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं वो असाइन हो रही हैं कि फॉर्म के कंट्रोल्स के अंदर, ये बटन का कंट्रोल, ये दूसरे बटन का कंट्रोल, ये फॉर्म्स के अंदर ऐड हो रहे हैं। फॉर्म्स की कंट्रोल्स की लिस्ट है, जो भी इसमें ऑब्जेक्ट आप खुद बना के इस कंट्रोल के अंदर ऐड करोगे तो फॉर्म पे विजिबल होगा। और ये देखें ग्रिड में, और जिस तरह अभी एंड पे मैंने फॉर्म का कैप्शन चेंज किया, तो ये दिस, यहाँ पे दिस से मुराद ये करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास है। ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसका टेक्स्ट क्या होगा, ग्रिड व्यू ग्रिड एग्जाम्पल, डाटा ग्रिड व्यू एग्जाम्पल, जो मैंने, ये नेम है फॉर्म वन और ये कैप्शन है जो कि टेक्स्ट है ये। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा थोड़ा एक्सटेंडेड है। इसमें एक और चीज़ बता दूं कि आपके जो प्रोजेक्ट होता है उसके स्टार्टिंग में, आप जो ही वीएल स्टूडियो में न्यू प्रोजेक्ट और विंडो फॉर्म सेलेक्ट करते हो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉर्म भी बनाता है और ये क्लास भी होती है। जो हमने कंसोल एप्लीकेशन स्टार्ट की थी उसमें भी प्रोग्राम डॉट सी एस की क्लास थी, और यहाँ पे भी प्रोग्राम डॉट सी एस की क्लास है। अब इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो ये देखें कि प्रोग्राम डॉट सी एस की क्लास है, ये आपके सामने है प्रोग्राम क्लास। इसमें स्टार्ट थ्रेड आपका मेन का फंक्शन है, अगेन तमाम प्रोग्राम का जो कोड की एग्जीक्यूशन पॉइंट होती है एज ए डिवेलपर पॉइंट ऑफ व्यू, वो हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में आप देखो तो ये एप्लीकेशन हमेशा, आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो सिक्वेंशियल चलती है, स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, जो इंस्ट्रक्शन और मेन से स्टार्ट होता है। लेकिन ये हमारी एप्लीकेशन इवेंट बेस्ड है, फिर भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट मेन का फंक्शन है। मेन में ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपके इनेबल कर रहे हैं व्यूल स्टाइल्स को, और फिर एप्लीकेशन रन में ऑब्जेक्ट दे रहा है फॉर्म वन को। ये फॉर्म वन, ये देखें न्यू, आप कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हो, न्यू और फिर आगे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जिस तरह आप लिखते हो आपने फॉर्म वन का ऑब्जेक्ट बनाना, तो फॉर्म वन एफ इज इक्वल टू न्यू फॉर्म वन, ये आपकी क्लास का नेम है, ये आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये न्यू करके ये फॉर्म वन कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तब जाके ये ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होती है, ऑब्जेक्ट एलोकेट होता है। अब यहाँ पे अगर ये सिंपल लिख दें तो एक फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनेगा और वो इस फंक्शन को मिल जाएगा। आप चाहो तो ये एफ ही से पास कर दो या इस तरह ये रहने दें। तो यहाँ से ये प्रोग्राम फॉर्म की तरफ जाता है, जब ये ऑब्जेक्ट बन जाता है तो ये सीक्वेंस में कोड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बजाय इवेंट ड्रिवन हो जाता है। और फिर ये प्रोग्राम, आपको मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट भी लगा के दिखाता हूँ, और मैं ये फॉर्म वन में कंस्ट्रक्टर वगैरह पे भी ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और इस पे भी ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, ताकि आप देख सको कब क्या किस तरह हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीज़ें हमारे तीन जगहों पे ब्रेक पॉइंट, चार जगहों पे लग गए। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन। आप देखें सबसे पहले कहाँ पे आए, प्रोग्राम डॉट सी एस के मेन फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पे मैं एफ 10, अगर इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन तो एफ 10 है, अगर किसी फंक्शन के इनसाइड जाना हो तो एफ 11 है, अगर फंक्शन की डेफिनेशन देखनी हो तो एफ 12 है। एग्जीक्यूशन एफ 10 कर रहा हूँ, देन एफ 10, अगर मैं एफ 10 कर देता हूँ या एफ 5 प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। मैं एफ 5 प्रेस कर रहा हूँ कि प्रोग्राम यहाँ पे नॉर्मल चले, लेकिन वहाँ पे न्यू से ऑब्जेक्ट बन रहा था, और वहाँ से जब ऑब्जेक्ट बना तो ये देखें आपके कंस्ट्रक्टर में आके पहले पहले यहाँ पे हो गए।
यहाँ से अगर आप देखना चाह रहे हो कि यहाँ पे क्या होगा, तो आप 11 प्रेस करो तो ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन। अब फॉर्म अभी तक आपको कहीं विजिबल नहीं हुआ, आप ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे फिर F10 ये ग्रिड बना, ये बटन्स बने, ये कम्बो बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स, ग्रिड के कॉलम्स, ये लेआउट सस्पेंड हुआ, यहाँ पे ग्रिड्स के बाकी चीज़ें प्रॉपर्टीज सेट हो रही हैं, यहाँ पे उनकी लोकेशंस, बटन की लोकेशंस, आप ये देख लें कि बटन डॉट लोकेशन और यहाँ पे उसकी पोजीशन दी है। एक पॉइंट का क्लास का ऑब्जेक्ट बना के जब आप लोकेशन को असाइन करते हो तो आप देख रहे हैं एक्स इज 328 एंड वाई इज इक्वल टू 23, तो ये बटन की पोजीशन है। आप खुद प्रोग्रामेटिकली इसको दे सकते हैं, जो पोजीशन एक्स और वाई देंगे बटन उधर मूव कर जाएगा। जैसा ये बटन ऐड का पोजीशन है, यहाँ पे बटन का साइज है, और आप नीचे देखेंगे ऐड बटन के बाद ये लेबल्स हैं, उनकी पोजीशन है, उनके साइजेस हैं, ये सारे कंट्रोल सेट हो रहे हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन हो रही है। मैं F10 करता जाता हूँ या मैं इसे F5 प्रेस करके ये सारा को चला देता हूँ। जो ही ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हुआ, ऑब्जेक्ट बना और एप्लीकेशन ने वो ऑब्जेक्ट आपको विजिबल कर दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेमोरी में रहेगा, विजिबल रहेगा। ये इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन है, आपको इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में नहीं एग्जीक्यूट होगी। अब आप जो एक्शन परफॉर्म करोगे, उसका जो इवेंट परफॉर्म करोगे, वही एक्सेप्शन हैंडलिंग होगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हो तो इसका अगर कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, आप क्लिक ऐड करते हो, जो ही आपने ऐड क्लिक किया तो ऐड का इवेंट अकर हुआ। अब इसमें अगेन आप इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन देख सकते हो कि ये कम्बो है, इसका सिलेक्टेड इंडेक्स क्या है, 1 है, -1 नहीं है। F10 प्रेस किया, ये कंडीशन फॉल्स हुई है, इसमें नहीं जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप देखें तो MTR है, तो ये मैच होगा। F10 यहाँ पे आप आएँ तो ये देखें मैसेज बॉक्स के ऊपर आएगा, मैसेज बॉक्स से आप देखो तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया। अभी आपका कंट्रोल GUI पे यूज़र पे आ गया। अब जब तक मैसेज बॉक्स का आप ओके नहीं करते, कंट्रोल एग्जीक्यूशन का वापस कोड भी नहीं जाता। अब आप इसे ओके या क्रॉस जो भी करोगे तो ये कंट्रोल वापस चला जाएगा। आप फोकस अभी देखें, आप फॉर्म अगर मैं फ्रंट पे ले आता हूँ तो वो नहीं आएगा। यहाँ पे आपका फोकस, आप F10 किया और फिर F10 और यहाँ से रिटर्न, और ये फंक्शन रिटर्न हो गया, तो आप ये देखें फोकस उस पर आ गया। ठीक है जी, ये हमारा एक्सटेंडेड था कि डिटेल में आप लोगों को कोड का, बैकएंड का, वीएल स्टडी की परफॉर्मेंस के हवाले से बता दें। थैंक यू।